दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ ने यहाँ के कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया और उनके कीमती सामान भी लूट लिए। वहीं देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। इन लोगों के घरों और दुकानों को निशाना बनाए जाने से हिंदू खफा हैं। बांग्लादेश की द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कल शाम तिलीपार गांव में लाल मुनरी हाट पूजा उद्यापन परिषद के सचिव प्रदीप चंद्र राय के घर में तोड़फोड़ की और लूटपाट किया। इतना ही नहीं, पूजा उद्यापन परिषद के नगर पालिका सदस्य मोहन राय के स्वामित्व वाली एक कंप्यूटर की दुकान में भी तोड़ फोड़ की और लूटपाट किया। इसके अलावा जिले के कालीगंज उप जिले के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घरों में लूटपाट की गई। लोगों ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश सरकार द्वारा रक्षा नहीं की जा रही है। तटबंध उप जिला के पूर्वा सरबु गाँव में 12 हिंदू घरों को जला दिया गया। वहीं सदर उप जिला में कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। जब पत्रकारों ने ओक्या परिषद के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मोहिंद्र कुमार नाथ से बात की तो उनका दुख भी छलकाया। नाथ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने समुदाय पर इस तरह के हमले होते देखेंगे। लोगों को पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा जहां सांप्रदायिक हमले ना हुए हैं। हमें घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों के बारे में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार खबरें मिल रही हैं। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है, उनके घरों और व्यवसायों को लूटा जा रहा है। हमारी आखिर क्या गलती है? क्या यह हमारी गलती है कि हम देश के नागरिक हैं? मोनिंद्र कुमार नाथ ने इस बात का उल्लेख किया कि देश में हिंदुओं को और अधिक हमलों का डर है। उन्होंने पूछा कि अगर इस तरह के हमले यहाँ जारी रहे तो हम कहाँ जाएंगे? हम हिंदू समुदाय के सदस्यों को कैसे सांत्वना देंगे? उपद्रवियों ने 4 मंदिरों में तोड़फोड़ कर डाली। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अत्याचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में क्या बोला, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, स्वच्छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है। अयोध्या को उसकी पहचान मिली, इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना,
अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे और ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही कार्य यहाँ पर डबल इंजन सरकार कर रही है। बांग्लादेश में मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया। काली व इस्कान समेत पूरे बांग्लादेश में कम से कम 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ कहते हैं कि जैसे ही देश भर में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने की खबर फैली, जगह जहां हिंदू मंदिरों पर हमला होने लगे। हिंदुओं सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर भीड़ ने हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगाई है, जिसमें धनमंडी स्थित बंगपंगु भवन बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कम से कम 10 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। दिनाजपुर शहर और अन्य उपजिलों में कम से कम 10 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। सूत्रों ने बताया कि बाराबंदर क्षेत्र के स्वर्गीय कोलास चंद्र राय, बाराबंदर की नित्या गोपाल, गुंजाबारी क्षेत्र के बुसु विश्वास, निदानपुर में स्थित उपजिला के रोमाकांत राय के घर पर हमला हुआ। बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद के महासचिव उत्तम कुमार राय ने कहा कि खानसामा उपजिले में 3 हिंदू घरों पर हमला किया गया। वहीं लक्ष्मीपुर में गौतम मजूमदार ने बताया कि 200 से 300 से अधिक हमलावरों ने उनके 2 मंजिला इमारत में आग लगा दी। स्वर्गीय कैलाश चंद्र राय बाराबंदर की नित्या गोपाल, गुंजाबारी क्षेत्र के विंशु विश्वास, अंदिजनापुर के बिराल उपजिला के रोमाकांत राय के घर पर हमला हुआ। बहरहाल बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उससे वहाँ का लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो गया है। पूरे बांग्लादेश में हिंसा फैलाने के लिए अमेरिका, चीन व पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI पूरी तरह जिम्मेदार हैं, इन्हीं लोगों का हाथ है। भारत सरकार बांग्लादेश के प्रकरणों पर पूरी तरह निगाह लगाए हुए है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।